हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका फैंटासी एडिशन चैलेंजर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग आईसीसी अरेबियन टी20 लीग की बात करने वाले हैं, जो कि मैच होगा द विजन शिपिंग और दुबई जिमखाना के बीच में। तो चलिए दोनों ही टीम के प्लेयर पर एक बार नजर कर लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से स्मॉल लीग में लेके जाएंगे, कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ग्रैंड लीग में पिक करेंगे, प्लस कौन सा प्लेयर हमारे लिए कप्तान वाइस कप्तानशिप के लिए बेस्ट चॉइस रहेगा, उसके बारे में बात कर लेंगे। पिच रिपोर्ट देख लेते एक बार, लास्ट में हमारी फैंटासी टीम भी देख लेते हैं कि कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। सारी डिटेल्स इसी वीडियो में कवर करेंगे, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो बात करते हैं इस मैच की। इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये टूर्नामेंट हम लोग पूरी कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ यहाँ से आपको पांडुचेरी टी10 के वीडियो मिलेंगे, इसके साथ साथ यहाँ पर बांग्लादेश प्रीमियर लीग हम लोग कवर करें, साथ ही में और कई सारे टूर्नामेंट के वीडियो आपको यहीं पर मिलेंगे। तो YouTube चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है, साथ ही में टेलीग्राम से जुड़िएगा, क्योंकि इस मैच की और आगे आने वाली सारी अच्छे मैचेस की फाइनल अपडेट और फाइनल मेरी स्मॉल लीग की ग्रैंड लीग की जो टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगी। और टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। बात करते हैं इस मैच की। तो ये मैच रात को 10:45 पर आईसीसी एकेडमी दुबई यूएई में खेला जाएगा, जहां से पिच रिपोर्ट की बात की जाए तो यहां पर बैटिंग के लिए अच्छी पिच है, रन्स यहां पर अच्छे खासे बन जाते हैं, 150 के प्लस तो मैंने मेंशन किए, बाकी यहाँ पर 200 पार आंकड़े कभी भी जा सकते हैं। आई थिंक यहाँ पर 170-180 एवरेज स्कोर है, यहाँ पर कई बार यहाँ पर 200-250-300 प्लस भी यहाँ पर रन्स बने हुए हैं, तो उस लेवल के स्कोर बनते हैं। ज़्यादातर पहले बैटिंग करने वाली टीम को एडवांटेज रहता है, तो टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर टीम TVS की। दो मैच के लिए दोनों के दोनों जीत के आ रही है। लास्ट मैच इनकी SVD के सामने थी, काफ़ी रोमांचक मैच हुई, सिर्फ एक रन से जीती है, तो काफ़ी रोमांचक मैच हुई थी वहाँ पर। ओपनिंग में यहाँ पर जवाद गनी और इनके साथ शाकिब महमूद ने ओपनिंग करवाया था। अभी देखो बात करें इम्पोर्टेंस की, तो शाकिब महमूद वेरी इंपॉर्टेंट पिक, इवन लास्ट मैच के हमारे वाइस कप्तान थे शाकिब महमूद, तो इस मैच के लिए भी हमारे लिए कप्तान वाइस कप्तानशिप की चॉइस जरूर रहेंगे, क्योंकि ये बंदा ओपनिंग भी करवाएगा प्लस चार ओवर्स की गेंदबाजी भी करवाएगा। बैटिंग से कोई एक्सेप्टेशन नहीं है, बैटिंग से ठीक ठाक एडवांटेज देंगे लेकिन बॉलिंग से आपको विकेट निकाल के देंगे। रिसेंटली फॉर्म काफ़ी ज़बरदस्त है और उसी के बेसिस पर हमने इनको कप्तान वाइस कप्तान किया था लास्ट मैच के अंदर। जवाहर गनी ने लास्ट मैच के अंदर ओपनिंग करवाते हुए 2 विकेट निकाले, इसका कोई कन्फर्मेशन नहीं है आगे कौन से नंबर पर खेलेगा, लास्ट मैच के अंदर ओवर्स करवाई आगे ओवर्स करवाएगा या नहीं करवाएगा ये भी कन्फर्मेशन नहीं है, तो ये थोड़े से रिस्की रहेंगे। बाकी शाकिब महमूद को लेके जा सकते हैं, बाकी ओवरऑल प्लेयर काफ़ी तगड़ा है। आई थिंक 2023 की शुरुआत में या फिर 2022 की एंडिंग में एक टूर्नामेंट हुई थी, वहाँ पर रेगुलर हमारे कप्तान वाइस कैप्टन हुआ करते थे यहाँ पर जवाहर गनी, लेकिन कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है इनकी। जिसान अबिद ने लास्ट मैच के ना 1 डाउन के लिए, इनका बैटिंग और ऊपर नीचे होता रहेगा, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कई सारी मैचेस के इनकी बैटिंग नहीं आई थी और ज़्यादातर काफ़ी नीचे खेलते हैं, 7वें 8वें 9वें नंबर पर खेलते हैं, लेकिन लास्ट में टूर्नामेंट के अंदर हर टूर्नामेंट के लिए 2-3 बार 3रे 4थे नंबर पर खेल लेते हैं, बाकी ज़्यादातर ये काफ़ी नीचे खेलते हैं। अली अबिद का 4था नंबर फिक्स है और इस प्लेयर के ऊपर मैं लिटरली बहुत ज़्यादा भरोसा करता हूँ, ये 1-2 मैचेस के अंदर फेल भी रहेगा लेकिन जब एडवांटेज देगा तब यहाँ पर काफ़ी तगड़ा एडवांटेज देता है, ध्यान में रखिएगा, विकेट वगैरह भी निकाल सकता है, कई बार ओवर्स रेगुलर नहीं करवाएगा। नासिर फराज अच्छे फॉर्म में तो इनको लेके जाएंगे, बाकी शाहबाज अली भी आपके लिए कप्तान वाइस कैप्टनशिप की चॉइस रहेगा, डेफिनेटली लेके जाना है। बैटिंग से 2 बार यहाँ पर 21-22 और बॉलिंग से यहाँ पर 1 विकेट 4 विकेट जैसे परफॉर्मेंस दिए इन्होंने। मोहम्मद इकराम जंजुआत जिन्होंने पहले मैच के अंदर 1 विकेट निकाली, दूसरे मैच के अंदर ओवर्स नहीं करवाई, बाकी ओवर्स हर मैच के अंदर करवा सकते हैं, ऑफ ब्रेक गेंदबाज है ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर इकराम जंजुआ की बात करें तो इनको रिस्की तौर पर अपनी टीम के अंदर शामिल कर सकते हो। उमर अर्शद को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, दिखेंगे आपको विकेट कीपिंग सेक्शन से, मैक्सिमम टाइम इनकी बैटिंग ही नहीं आती, काफ़ी नीचे खेलते हैं, हालांकि पहली मैच के अंदर ये आई थिंक शायद यहाँ पर इन्होंने ओपनिंग करवाया, ओपनिंग या 1 डाउन में आए थे कन्फर्म नहीं हूँ मैं भी, लेकिन इस टूर्नामेंट के अंदर पहली मैच के अंदर ऊपर से खेले थे, जो कि कभी कभार ही खेलते हैं टॉप में, बाकी बहुत नीचे खेलते हैं। सज्जाद मलुक दोनों मैच के ओवर्स नहीं करवा रहे, भाई इन्होंने कन्फ्यूज करके रखा हुआ है, देखो ओवर्स करवाएंगे तो यहाँ पर इस लेवल के परफॉर्मेंस देंगे, बाकी ओवर्स नहीं करवाएंगे तो बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद नहीं है, हालांकि बैटिंग भी अच्छी करवा लेते हैं लेकिन इतनी नीचे आके बंदा क्या बैटिंग करेगा, तो इसके लिए इनको सजेस्ट नहीं करूँगा। हालांकि दानिश कुरैशी को कप्तान वाइस कैप्टन जरूर सजेस्ट करूँगा, इनको आप लोग कर सकते हैं, पहली मैच के हमने किया भी था, दानिश कुरैशी पहली मैच में हमारे कप्तान थे, दुर्भाग्यवश से वो विकेटलेस रहे और हमको एक अच्छा खासा लॉस हुआ वहाँ पर, तो लेकिन आप कर सकते हो, मैंने लास्ट मैच के अंदर भी सजेस्ट किया था, वहाँ पर 2 विकेट निकाली। रिसेंटली फॉर्म देखो आप लोग, पिछली टूर्नामेंट के अंदर क्या हुआ था, 3 बार भाई साहब ने 4 विकेट निकाली, 2 बार 3 विकेट निकाली, 2 बार 2 विकेट निकाली, इस लेवल के फॉर्म में, तो इसके लिए मैंने इनको कप्तान वाइस कैप्टन सजेस्ट किया था, कर सकते हैं आप लोग। अवेश सरफराज ने पहले मैच के अंदर 4 विकेट निकाली थी, लास्ट मैच के विकेट लेस रहे, ओवरऑल 196 मैच के अंदर 246 विकेट है,
इससे पहले भी लास्ट टूर्नामेंट में जो आखिरी मैच खेले थे वहाँ पर 3 विकेट निकाली थी लेफ्ट आर्म चाइना मैन गेंदबाज। स्टार्टिंग में यहाँ पर शाकिब महमूद, दानिश कुरैशी, डेथ ओवर्स में यहाँ पर शाहबाज अली के साथ अवैध सरफराज। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा तो इनके स्टैट्स और अपडेट वगैरह टेलीग्राम में दिए जाएंगे, टेलीग्राम से जुड़े रहेगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। बात करें हम लोग यहाँ पर दुबई जिमखाना की, तो दुबई जिमखाना की तरफ से अब्दुल्ला अजीज़ ओपनिंग करवा रहे हैं हसीबुर रहमान के साथ। अजीज़ ने लास्ट मैच में 20 रन किए, तो ये अभी इतने अजीज़ नहीं है, अजीज़ मतलब कीमती, वो बोलते हैं ना ये चीज़ बहुत ही अजीज़ है तो बहुत ही कीमती होती है ना, तो हमारे लिए अभी के लिए अजीज़ नहीं है तो इनको डिफरेंशियल में लेके जा सकते हैं। हालांकि ये टॉप में बैटिंग करवा रहा है, हो सकता है, देखो इनके ओवरऑल रिकॉर्ड का थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इनके में इसके लिए मैंने इनको मेंशन नहीं किया। बाकी इनका प्लस पॉइंट यही है कि दोनों मैच के ओपनिंग करवाई है। हसीबुर रहमान विकेट कीपिंग सेक्शन से दिखेंगे, इस मैच के लिए मैं खास इनको सजेस्ट करूँगा क्योंकि ये बंदा रेगुलर ओपनिंग में बैटिंग जरूर करवाएगा। परफॉर्मेंस कुछ खास है नहीं, रिसेंटली फॉर्म भी इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन कर सकता है यहाँ पर 30-40 रन क्योंकि इनकी बैटिंग आनी तय है, क्योंकि सामने वाली टीम से 2 विकेटकीपर बल्लेबाज है, जीशान आबिद है और इसके साथ यहाँ पर उमर अरशद है, दोनों ही काफ़ी नीचे खेलते हैं, ये बंदा टॉप में ही खेलेगा। अश्वथ वलथप्पा वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, चलो हम लोग यहाँ से अश्वथ वलथप्पा को लेके जाएंगे क्योंकि लिटरली ये बंदा यहाँ पर इंटरनेशनल तक खेला हुआ प्लेयर है, कहीं ना कहीं इनसे बहुत बड़ी परफॉर्मेंस की उम्मीद है। सलीम अब्दुल कद्दूस यहाँ पर बैटिंग से लास्ट मैच में 61 रन किए, बैटिंग से इतनी बड़ी उम्मीद नहीं है मुझे क्योंकि वैसे भी देखो पहले मैच में 1 रन किया था और अभी जो इनकी मैच होने वाली है भाई, तो सामने वाली जो टीम का मतलब TVS का जो बॉलिंग अटैक है ना तगड़ा है, आई थिंक इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे तगड़ा अगर बॉलिंग अटैक किसी के पास है तो वो यहाँ पर TVS के पास है, तो बैटिंग से मुझे इनसे कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं है, इस टीम से भी नहीं है। इस टीम से मुझे मैक्सिमम अगर पहले बैटिंग करवाएगी तो मैक्सिमम ये 130 या 140 रन बना सकती है, इससे ज़्यादा जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाकी यहाँ पर देखो क्रिकेट है और वैसे भी ये दुबई क्रिकेट है, यहाँ पर कुछ भी अनएक्सेप्टेड हो सकता है, बाकी मेरे अंदाजे से यहाँ पर 140 रन नहीं होने चाहिए अगर DGA पहले बैटिंग करवाती है तो। सलीम कुद्दूस को आप लोग चाहो तो ले सकते हैं, वकार अहमद को मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, काफ़ी नीचे खेलते हैं। बाकी शहदाद को आप लोग चाहो तो ले सकते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक क्लास प्लेयर है और थोड़ी बहुत रन करके ये जरूर देगा आपको, 25-30 रन करके वह नज़र आ सकता है। केशव शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट पिक, ये बंदा बॉलिंग से तो एडवांटेज दे रहा है, आज मुझे इनसे बैटिंग से भी उम्मीद है, मतलब 25-30 रन की पारी खेल सकता है आज, खास ध्यान में रखिएगा। फुरकान शफी को डिफरेंशियल में रिस्की कलर ट्राई करेगा, हालांकि तब से नियासीन एक अच्छे गेंदबाज है, कोई चॉइस ना मिले तो आप लोग एक बार इनके ऊपर रिस्क ले सकते हो। अदनान कैसर ठीक है, यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर तफसीन यासीन या अदनान कैसर, इन दोनों में से किसी एक को लेके जाना है आपको, या फिर हो सके तो दोनों को लेके जाएगा। यहाँ पर आदिल शहजाद हकीमी वेरी इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, इनको मिस नहीं करना है हमें। स्टार्टिंग ओवर्स में यहाँ पर आदिल शहजाद हकीमी, तफसीन यासीन, डेथ ओवर्स में यहाँ पर तफसीन यासीन और आदिल शहजाद हकीमी डेथ में भी डालेंगे। इसके अलावा बेंच में से कोई भी प्लेयर खेलेगा या फिर कोई भी बदलाव वगैरह होता है तो उसके स्टैट्स और उनके अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल पे दिए जाएंगे आपको, टेलीग्राम से जुड़े रहिएगा, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग को उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना रहेगा। अभी के लिए देख लेते हैं हमारी डेमो फैंटेसी टीम कौन सी हो सकती है, कौन से प्लेयर को हमें लेके जाना है और कौन से प्लेयर को हम लोग यहाँ से ड्रॉप कर सकते हैं। तो विकेट कीपिंग सेक्शन से हमारी टीम के अंदर हसीबुर रहमान दिखेंगे आपको, बाकी आप लोग चाहो तो हसीबुर रहमान की जगह पर जीशान आबिद को ले सकते हैं। इसके अलावा और किसी प्लेयर के ऊपर बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इन दोनों में से ही किसी को लेना है। बैटिंग सेक्शन में यहाँ पर नासिर फराज है, इनके साथ यहाँ पर अली आबिद और यहाँ पर अश्वथ वलथप्पा। अली आबिद देखो बहुत कम सिलेक्शन है लेकिन इनको ड्रॉप नहीं कर सकते, ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर उस्मान खान तो अवेलेबल नहीं रहेंगे, तनवीर हसन नहीं रहेंगे, अगर इन दोनों में से कोई भी खेलता हुआ नज़र आता भी है तो आपकी टीम का हिस्सा होना चाहिए। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो ऑलराउंडर सेक्शन से हमारी टीम के अंदर शाकिब महमूद, इनके साथ जवाहर गनी और केशव शर्मा हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी बात करें हम लोग यहाँ पर बॉलिंग सेक्शन की, तो यहाँ पर ए शहजाद हकीम, इनके साथ दानिश कुरैशी, शाहबाज अली और अली सरफराज हमारी टीम के, अवेश सरफराज हमारी टीम के अंदर रहेंगे। बाकी तफसीन यासीन बहुत ज़्यादा रिस्की खेल लीजिएगा। बाकी दो प्लेयर हैं यहाँ पर, मोहम्मद इकराम जंजुआ और इसके साथ यहाँ पर शद्दाद मलूक, ये दोनों अगर 3-4 ओवर्स की गेंदबाजी करवाएंगे तो वेरी डेंजरस, चाहो तो इनको लेके जा सकते हैं लेकिन ओवर्स करवाने चाहिए। कप्तान के तौर पर मैंने दानिश कुरैशी को लिया है, वाइस कैप्टन यहाँ पर हमारी शाकिब महमूद करेंगे, आप लोग इनको रोटेट भी कर सकते हो। इसके अलावा एक चॉइस और देता हूँ मैं और वो यहाँ पर शाहबाज अली है, ज़बरदस्त फॉर्म में ये बंदा इस टूर्नामेंट से पहले भी। बाकी देखो टीम को जिस तरह से रहेगी लाइनअप के अंदर हर मैच के इसके अंदर चेंजेस होते हैं तो शायद इस मैच के अंदर भी आपको चेंजेस दिखने को मिल सकते हैं। तो फाइनल जो भी टीम रहेगी वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देने वाला हूँ, तो टेलीग्राम से जुड़िएगा, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसी लिंक से ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना है,
शेयर करना है और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आगे आने वाली और अच्छे मैचेस के वीडियो आपको इसी YouTube चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी मिलेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग करोगे क्या? देखो करना कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, वीडियो को देख रहे हो पूरा देखो, अच्छे से एनालिसिस करो, अच्छी टीम बनाओ, अच्छी विनिंग करते रहो। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।